आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी व जूसी बर्फी। त्योहारों में यदि घर में मिठाई बन जाती है तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, साथ ही हेल्दी भी होती है। जो ये बर्फी है छुहारे से बनाऊंगी, इसमें मावा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं छुहारे की बर्फी बनाना। तो छुहारे की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम छुहारे लिए हैं। ये इस तरीके के हैं, आप कोई भी छुहारे ले सकते हैं। पहले मैं इनको पानी से साफ करके धुल लूँगी, इसमें से जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। ये देखिए, इनको रगड़कर धोना है। ये देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल गई है इससे। इसको हमने इसी तरीके से 3 से 4 बार पानी से धुल लेना है, जो इसमें डस्ट हो वो सब निकल जाएगा। ये देखिए, मैंने 3 से 4 बार पानी से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो अंदर की गुठली है उसको निकाल लेंगे, इनका जो ऊपर वाला भाग है इसको भी निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे छुहारे के बीज निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे छुहारे के बीज निकाल लिए हैं। एक भी बीज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पीसने वक्त दिक्कत आएगी, मिक्सी के जार में लगेंगे तो मिक्सी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 1/2 किलो से ज़्यादा दूध लिया है, ये फुल क्रीम वाला दूध है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और इसे हमको पकाना है, 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है। जब तक ये उबलने लग जाए तो बराबर चलाते हुए इसको पकाना है, जिससे ये जल्दी से 3 से 4 मिनट अच्छे से पक जाए, क्योंकि ये थोड़े देर में फूल जाते हैं। हमारे छुहारे अब पक गए हैं और दूध भी अच्छे से सोख लिया है छुहारों ने। अब हम इसको ढक्कन रखकर 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाएंगे। 4 घंटे हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको मिक्सी के जार में डालेंगे, साथ ही इसमें पीसते समय हम इसमें दूध डालेंगे, ताकि अच्छे से पीस जाएगा। और पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी बर्फी खराब हो जाएगी। इसी तरह हम बाकी के छुहारे भी पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे छुहारे पीस लिए हैं। अब हम इनको एक कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब हम इनको बराबर चलाते हुए पकाएंगे। इसको पकाने में 10 से 12 मिनट का समय लग सकता है, बराबर चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे। अब इसमें हम 5 से 6 चम्मच देसी घी डाल देंगे, जो स्टील की चम्मच होती है। ये हेल्दी तो होगा, साथ में ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें चीनी का पाउडर डाल दूंगी। चीनी को मैंने पीस लिया था, चीनी को मैं मिक्स कर लूंगी। चीनी मैंने 150 ग्राम डाली है, ज़्यादा मीठा नहीं डालना है, क्योंकि छुहारे अपने आप में ही मीठे होते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मीठा कम ही लगता है, ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, पहले से काफ़ी थिक भी हो गया है। इसको हम इसी तरह 4 से 5 मिनट और पकाएंगे कंटिन्यू चलाते हुए, जिससे ये बढ़िया से पक जाएगा। तो ये दोस्तों, एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्दी होती है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, इसमें से घी भी छोड़ने लग गया है, ये अच्छे से पक गया है। गैस को बंद कर देंगे, ये एक डो जैसा बन गया है, हमें ऐसा ही बनाना था। अब हम इसको एक थाली में देसी घी लगा लेंगे, जिससे ये आसानी से निकल जाएगा, और इसके ऊपर से मिश्रण डाल देंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट के कतरन डाल देंगे, इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे हो गए हैं, अब इसको हम काट लेंगे। आप इसे अपने पसंद के शेप में काट सकते हैं। इसको इस तरीके से काट रही हूँ, बहुत ही आसानी से कट जा रही है। बस ये हमारी बहुत ही टेस्टी बर्फी बनके तैयार हो गई है। दिखने में बहुत ही बढ़िया दिख रही है और खाने में भी उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो दोस्तों, यदि आपको ये बर्फी की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।